भारतीय मूल के एक अमेरिकी अधिकारी दिल्ली आते हैं और फिर भारत को धमकाने की भड़काने की कोशिश करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है लेकिन सच है। मामला अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह से जुड़ा हुआ है। दरअसल रूस के प्रति भारत की दोस्ती से अमेरिका बौखलाया हुआ है, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से परेशान है। भारत की ताकत से परेशान अमेरिका, भारत की विदेश नीति से बौखलाया अमेरिका, भारत रूस की दोस्ती से डरा अमेरिका, रूस के नाम पर धमकाने की कोशिश। जी हां, भारत रूस की दोस्ती युद्ध के बीते 36 दिनों में पूरी दुनिया ने देखी। सुरक्षा परिषद हो या नेशनल असेंबली, भारत ने लगातार यूक्रेन के मामले पर रूस का साथ दिया है। भारत भले ही युद्ध को खत्म करने की बात कह रहा है लेकिन इसके साथ ही पूरी दुनिया में जब रूस को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, भारत मजबूती के साथ दशकों पुरानी दोस्ती निभा रहा है। भारत रूस की ये दोस्ती अमेरिका को लगातार खटक रही है और अब तो अमेरिका धमकी देने वाली भाषा का इस्तेमाल करने लगा है। दरअसल अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह, जो भारतीय मूल के हैं, भारत दौरे पर हैं। मकसद है भारत को रूस के खिलाफ भड़काना, भारत को रूस के खिलाफ करना। हालांकि ये नया भारत है जो किसी के दबाव में नहीं आता है, जिसके विदेश नीति की आज पूरी दुनिया में चर्चा है। उस भारत को दिलीप सिंह ने धमकी देने की कोशिश की। दिलीप सिंह ने कहा कि अगर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी का उल्लंघन करता है तो मत सोचिए चीन के खिलाफ रूस आपकी मदद करने आएगा। मॉस्को बीजिंग अब नो लिमिट पार्टनरशिप में है। तो सवाल उठता है कि आखिर जो बाइडेन दिलीप सिंह के जरिए भारत पर क्यों दबाव बना रहे हैं। दरअसल अमेरिका रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा रहा है। उसकी कोशिश है कि रूस के साथ व्यापार करने के लिए कोई देश आगे नहीं आए। इसी कड़ी में अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दिलीप सिंह भारत के दौरे पर है। दिलीप सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने रूस के खिलाफ अमेरिका की नीति तैयार करने में अहम रोल निभाया। तो जो बाइडेन और अमेरिकी प्रशासन को लगता है दिलीप सिंह के जरिए वो भारत पर दबाव बना लेंगे, जबकि ऐसा अब नामुमकिन है। वैसे भी बीते कुछ सालों में भारत ने अमेरिका की बातों की कई बार अनदेखी की है। जैसे अमेरिका के विरोध के बावजूद भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की डील की। अभी रूस के विदेश मंत्री लावरोव भारत के दौरे पर हैं और अमेरिका सहित कई यूरोपीय देश भी इससे परेशान हैं। लेकिन अब भारत को फर्क नहीं पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नहीं और